दंगल वाला, अर्तगल गाजी, और एक और भी मैं दिखाती हूँ, ये हम आए हैं वन रियाल शॉप पे। तो देखिए यहाँ यही चीजें जो है ना, बाहर आप किसी भी अच्छी दुकान से लें तो बहुत महंगी होती है। मजबूत है? हाँ हाँ बहुत मजबूत है, अच्छी है इनकी मिक्सर। ये तो घरों में, हर घरों में होती है ना, लेकिन ये जबरदस्त है, तो मैं ये ले लूँ। ले जाओ, बैग है ये, पर्स है, पैसों वाला है। ये मैं ले रही हूँ तो फिर 5,000 का क्यों ना ले, रियाल लेते हैं, रियाल वाला सही है। ये रियाल है और ये देखिए, रियल लग रहा है नकली पैसे। ये डबल है क्या है प्रिंटर्स से खोल के नहीं देख सकते? नहीं बंद है। तो बस्ता धोखा पर बच्चों को देने के लिए बेहतर है ना। हवा मेरा हल है नहीं, नहीं। यूं करके ना ये आई डोंट नो, ये गुब्बारे फुलाने वाला है। अच्छा ठीक है, बच्चों की चीजें, ये बर्थ से ये भी किचन में देखो या टांग के ये देखिए अर्तगल गाजी के किरदार बहुत अच्छा लगता है हमें। ये देखिए इनके लवर हैं, उनको चाहिए कि ये वाली ना अर्तगल गाजी की जो सीरीज थी उसके जो लवर हैं उनको ये ले लेनी चाहिए। तो शॉपिंग हमने कर ली, सारा कुछ हमने ले लिया, और जब घर आए तो हमने कहा जल्दी जल्दी कुछ बनाएं, तो सबसे अच्छा तो ये था कि हम यखनी पुलाव बनाएं। तो यखनी पुलाव के लिए मैंने चिकन को मसाले डाल के, सारे खड़े मसाले, और इसको इसकी यखनी बना ली, लहसुन अदरक प्याज, और इसके बाद ये जो चिकन है इसको मैं ऑयल में रोस्ट कर लूँगी और इसकी पुलाव बनाऊँगी।
ये मसाला मैंने बनाया जिस यखनी जिन जिन गर्दन वगैरह जो होती है ना छोटी छोटी हड्डियाँ सारी जो होती हैं उनको मैंने दोबारा इसमें डाला कि इससे ज़्यादा अच्छा सूप निकलेगा और ज़रा मज़ीद बन जाए। और इधर मैंने जो खास थे ना खास जो पीस थे उनको मैंने कर लिया। तो नाज़रीन मेरी पुलाव तैयार हो गई है, चिकन पुलाव, चिकन यखनी पुलाव। ये है ज़बरदस्त किस्म की और साथ रायता। और मैं अब टेस्ट करने लगी हूँ, साथ साथ मैं टीवी देख रही हूँ। तो चले डालते थोड़ा सा रायता डालती हूँ। आपको बताती हूँ कि कैसी बनी। वाह बहुत मज़े की। चिकन भी टेस्ट करती हूँ कैसा बना। परफेक्ट। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग और मेरी थकावट वाली पुलाव। बहुत थक गए थे और थक के हमने ये बनाई। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा मेरा छोटा सा व्लॉग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे सी वीडियो बनाऊंगी या खाना बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।